के दो बड़े पॉप सिंगर्स फ्राइडे एंड औरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बेसिकली भारत और कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ कोरिया। तो उस उपलक्ष्य में ये दोनों आर्टिस्ट इंडिया आए हैं और ये काफ़ी जगह पर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पॉप म्यूजिक जो है वो युवा वर्ग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो वी थॉट इट कि यूपी टूरिज्म के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है और हमने डिफरेंट शहरों में हम इस आयोजन को कर रहे हैं और हमने यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट किया है जहाँ पे इन आयोजनों को हम कर रहे हैं। तो लाइक अभी जो आज ये इवेंट आप देख रहे हैं, पहला इवेंट हमारा शारदा यूनिवर्सिटी में हो रहा है आज। अगला हमारा 15 तारीख को SRMU लखनऊ में हो रहा है। उसके बाद 16 सितंबर को एलन हाउस कानपुर में होगा और चौथा इवेंट हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी आगरा में होगा। तो इस तरह यूपी में 4 इवेंट्स हैं। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है और उसके बाद ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ भी इनके सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। तो बेसिकली ये 1-1.5 महीने तक इंडिया में रह करके ये हमारे जो कोरिया के साथ बेहतर संबंध हैं उनको ये सेलिब्रेट करेंगे और इंडिया कोरिया टाइज इससे मजबूत होंगी। हमारे जो युवा वर्ग है उसका कोरिया के साथ एक जुड़ाव होगा, वो वहाँ की संस्कृति को जानेंगे और ये हमारी संस्कृति को जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये इंडिया कोरिया संबंधों के विषय में बताना चाहूँगी। और आपने शायद सुना होगा, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पहले, अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना यहाँ से कोरिया गई थी। ऐसी किंवदंती है कि वो एक नौका में बैठ करके कोरिया गई थी। वो समुद्र के में जा रही थी और वो कोरिया के तट पर लगी। वहाँ उन्हें एक मछुआरा मिला, जो वहाँ का एक लोकल, जो गडरिया जैसे कह सकते हैं आप, मिला और उसके साथ उन्होंने विवाह किया। भविष्य में वो व्यक्ति आगे चल के कालांतर में कोरिया का राजा बना और कोरिया की आज जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन आपने सुना होगा किम वंश, किम डायनेस्टी के लोग होते हैं, वो सभी वंशज माने जाते हैं रानी सूरो, जिनको वहाँ की लैंग्वेज में क्वीन हो कहा जाता है, और राजा किम के। तो ये कोरिया की चूंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किम है तो वो अपनी एक तरह से उनकी वो ग्रेट ग्रैंड नानी हुई, तो वो भारत आए अपनी जड़ों को खोजने के लिए कि वो कौन सा स्थान था जहाँ से हमारी ग्रेट ग्रैंड जो एंसेस्टर थी आई थी। और फाइनली वो अयोध्या पहुँचे और उन्होंने देखा कि यही जगह है जहाँ से वो रानी हो आई थी। उन्होंने कोरिया में एक स्मारक भी स्थापित किया है और हर वर्ष कोरिया से एक बड़ा सांस्कृतिक दल आता है जो उस कोरियाई स्मारक का, जब उनका पुण्यतिथि, उनका पुण्य दिवस होता है, तब वो वहाँ पर आकर अपनी श्रद्धांजलि देता है, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो इस प्रकार भारत के और अयोध्या के किम हे एक सिटी है जो उनका नेटिव प्लेस था कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, उसके साथ सिस्टर संबंध भी बने हुए हैं अयोध्या के। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो इनका ननिहाल है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये आए हैं भारत में और हमने इसको आज के युवा वर्ग को परिचित कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैडम इसका ट्रांसलेट करके आपको उत्तर दिलवाएंगे इनसे। किस लैंग्वेज में आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो कौन सी व्हाट लैंग्वेज आर यू गोइंग टू परफॉर्म। हां, today Bollywood song, so fourth song I'm ready. Do you know na change sari la sari, and after showing खाली हिंदी में ही नहीं, ये तमिल तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे पहले साउथ कोरिया के सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी सारेगामा लेबल के साथ हमारे काफ़ी पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स को कोरियन भाषा में रिक्रिएट किया है। तो आज जब आप इनके प्रोग्राम को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी जो इन्होंने इनोवेटिव म्यूजिक इंडिया कोरिया म्यूजिक को मिला के किया है, न्यू जॉनर है, इंडो कोरियन पॉप कह सकते हैं हम इसे। हिंदी January
इनके तीसरे जो है दो बार पहले आ चुके हैं. सेकंड पहले जनवरी में आए थे. जनवरी में इन्होंने जम्मू टूरिज्म के साथ कॉन्सर्ट किया था और पहली बार था जम्मू जैसे शहर में पूरा केपॉप का कॉन्सर्ट हुआ था. उसके बाद बॉम्बे में परफॉर्म किया था. फिर सेकंड जब टाइम ये आए तब इन्होंने एलपीयू जलंधर में किया, चंडीगढ़ में परफॉर्म किया. और ये थर्ड जर्नी इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंडो कोरियन रिलेशंस के ऊपर यूपी टूरिज्म के साथ जो इनका कोलैबोरेशन. साउथ कोरियन ड्रामा भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो उसमें भी किसी ने परफॉर्म किया है आपने? इज आस्किंग इफ यू बीन इन एनी के ड्रामा. हैव यू एवर बीन एनी के ड्रामा? के ड्रामा नो. हां मी वन टाइम 2021 एक ड्रामा में इन्होंने परफॉर्म किया है 2021 में, फर्स्ट लव टुगेदर उसका नाम है. लेकिन जस्ट एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस. दादा ये म्यूजिशियन है लेकिन बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं शाहरुख के साथ.처음에는 친구 추천해줬는데 I think hip-hop beat mixed and then Indian song 너무 파워풀할 것 같았고 너무 에너지틱할 것 같았어요. 제가 인디아송 너무 좋아해서 이런 시도를 해보면 좋겠다라는 생각이 들어서 처음 시작하겠습니다. He says that his friend had shared the song Jimmy Jimmy first time. He just loved the energy. इनको उस song की energy बहुत अच्छी लगी. इनकी energy के साथ बहुत vibe करती है. तो already इनके दिमाग में बात चली रही थी कि मैं कुछ इंडिया कोरिया को मिक्स करके कुछ म्यूजिक बनाऊँ. तो जब इन्होंने पहली बार जिमी जिमी सॉन्ग सुना इनको लगा कि उस सॉन्ग की एनर्जी और इनकी जो एनर्जी है वो बहुत मैच करती है. तो फिर उसके बाद इनकी बात सारेगामा से हुई. सारेगामा को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इस सॉन्ग को रिक्रिएट किया जाए. एंड फिर वहाँ से इनकी पूरी रिक्रिएशन का सिलसिला शुरू हुआ. पहले जिमी जिमी हुआ, फिर हुआ हुआ हुआ, अभी रिसेंटली ये शाम मस्तानी. No question is how is Korean government supporting K-pop? 지금은 이르비 좀 대기업과 좀 합쳐서 조금 조금씩 시작을 하고 있는데 앞으로는 좀 더 많이 있을 것 같아요. 이게 그래 코리아 में बड़ा करने के धीरे धीरे करके बहुत साल लगे हैं K-pop को उस जगह पहुंचने के लिए जहां पे वो भी है. तो सपोर्ट सब जगह से है, एजेंसी की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट. इसको इतना ऊपर लेके आने 2009 ये कह रहे हैं कि इनका मंत्रा है कि एक तो अपने आप को प्यार करो,